I try to keep a diary to let it all the way from him. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाओ पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। गाइस मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि भाई आप मुझे ये बताओ कि अपने बालों की केयर कैसे करें। तो आज का टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, स्टार्ट करा जाए आज का वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बताऊँगा कि बालों की केयर कैसे करें। तुम लोग कहीं ध्यान से बैठो और देखो मेरा ब्लॉग। अच्छा आज का फर्स्ट चीज़ है, पहली बात तो आप अपने बालों पे हेयर ड्रायर डेली यूज़ ना करें, बिकॉज वो हमारे बालों को डैमेज करते हैं। इसलिए हेयर ड्रायर तभी यूज़ करें जब आपको पार्टी में जाना है, जब आपको कहीं शूट है तभी यूज़ करें हेयर ड्रायर। तो आपके बालों को बहुत ही वो डैमेज करते हैं, या फिर वो स्ट्रेटनर आते हैं वो उसको भी यूज़ मत करो और अपने बालों को नेचुरली सूखने दो, उससे अच्छे रहते हैं बाल। हेयर ड्रायर यूज़ करने से हमारे बाल बहुत ही जलते हैं और जलने का वो रूट पे जाते हैं, और क्योंकि रूट के जो हेयर रहते हैं एकदम ही गर्म हो जाते हैं, और उसी कारण उसके कारण हेयर फॉल होते हैं। तो आज का सेकेंड टिप ये है कि अपने बाल पे वैक्स लगाते टाइम रूट पे कभी वैक्स मत लगाए, क्योंकि उससे भी बाल डैमेज होते हैं। और ऐसे ऊपर ही ऊपर मतलब हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे ले लें और हल्के ही मतलब अपने बाल पे अप्लाई करें वैक्स। और वैक्स का कोई इंजीनियरिंग मत कीजिए, मतलब वैक्स में कई लोग बोलते हैं कि पानी लगाओ वैक्स और उसके बाद लगाओ बाल तो ज़्यादा शाइन करेंगे, बट ऐसा नहीं है। रूट जैसे है वैसे ही रहेगा वैक्स, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। अगर आपके सुरूट आपके अगर हाथ में अगर थोड़े बहुत वैक्स बचते हैं तो उसको आज टाइट साइड लगा दो। आई मीन आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रूट से कभी भी कुछ भी ट्रीटमेंट बिल्कुल भी मत करिए। जैसे क्रिएटिन कराते हैं बहुत से लोग तो रूट से बिल्कुल मदद कर रही है, और जैसे हेयर कलर कराते हैं तो रूट से मतलब एक दो इंच छोड़ के कराइए, क्योंकि उससे बाल डैमेज होते हैं। उसका थर्ड टिप ये रूट, अगर आपको लंबे बाल और घने बाल और चाहिए तो पहली बात तो आप अपने बाल को हफ्ते में 3 बार धो, तेल और शैम्पू करें, मतलब कि रात में तेल लगा के उसको ऐसे ही छोड़ दे, फिर सुबह शैम्पू कर ले बाल में। अगर आपको दिन में ऑयल लगाना पसंद नहीं तो, वैसे मैं भी ऑयल लगाता बहुत कम लगाता हूँ ऑयल, तो डूड थर्ड टिप था आज का। और इससे बाल लंबे भी होते हैं। डूड अपने बाल पे पैराशूट ऑयल लगाइए, फिर जो आंवला ऑयल आता है वो लगाइए, क्योंकि वो बालों के लिए बहुत सही ऑयल है। और जो शैम्पू रहता है वो बेबी शैम्पू लगाइए, क्योंकि जो न्यू वाले शैम्पू आते हैं बड़े प्रोडक्ट उसमें मतलब केमिकल्स रहते हैं, और बेबी शैम्पू बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं रहते, तो वो आपके बालों के लिए बहुत ही सही है। मैं एडवाइस करूँगा क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ बेबी शैम्पू, और मेरे बाल अभी सिल्की है मतलब अच्छे हैं मेरे बाल। सो कि डूड हफ्ते में मतलब 2 बार तो अपने बाल पर तेल लगाना ही चाहिए, नहीं तो हेयर फॉल हो जाते हैं। मतलब कि आप देखेंगे सुबह उठ के तो बाल ऐसे खींच के देखेंगे तो कुछ ना कुछ हेयर आपके हाथ में आएंगे आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा हेयर फॉल ना हो, मतलब अपना ही हेयर फॉल ना हो, तो आप तेल लगाइए अपने बाल पे, बाल को केयर करें, मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलेंगे तो आपके बाल शायद हेयर फॉल नहीं होंगे। फिर आज का फोर्थ टिप, अगर आपके बाल मतलब मेरे जितने साइज के आपके बाल हैं तो मतलब उसमें बाल ठीक से खड़े नहीं होते, तो उसके लिए आप आयरन मैट यूज़ कीजिए, क्योंकि उसको ऐसे लगा के रखने से बाल सही खड़े होते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले लगाया था तभी मेरे बाल ऐसे खड़े हैं। सो डूड ये बैंड को लगाने से आप मतलब जैसे से अपने बाल को ऐसा मोड़ सकते हैं, और ये बैंड अच्छा भी है। और एक और आते इससे जो मतलब कि इससे एक और आते जिससे छोटा रहता है वो बैंड यूज़ कीजिए, क्योंकि वो बैंड बहुत ही अच्छे रहते हैं। डूड आज का 50 पैक, अगर आप दिन में अगर वैक्स अपने बाल पे लगाते हैं अप्लाई करते हैं तो सोने से पहले अपने बाल पे शैम्पू करके सोइए, नहीं तो वैक्स मतलब कि लगे लगे आपके बाल को डैमेज करते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने सैलून वाले ने भी बताया, और मैंने थोड़ा पूछा किसी से तो उसने भी बताया। अगर मैं तो आप जानते हो जैसे वो दही लगाने से लंबे होते हैं तो सही है, उससे आपके बाल सॉरी यार सिल्की होते हैं, भूल गया था। सो डूड दही लगाने से हमारे बाल सिल्की होते हैं, तो आप दही भी कभी कभी लगा सकते हैं अपने बाल में, उससे अपने बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, और वो बालों के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे पता नहीं क्या रहते पर रहते हैं। सो डूड आपको अगर स्किन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं मेरी इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, और मुझे सब्सक्राइब करो डूड मेरा चैनल, क्योंकि अब मैं डेली व्लॉग लाऊंगा, क्योंकि आप सबको जो ब्लॉग चाहिए जैसा ब्लॉग चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैसेज करो कि मुझे इस पर ब्लॉग चाहिए, मैं उसी पे ब्लॉग बनाऊंगा। सो डूड पिछली वीडियो मेरी वॉइस आगे पीछे हो गई थी, बट पता नहीं मुझे क्यों हुई थी, जब भी मैं एडिट करता हूँ उसे डालता हूँ जब डालने के टाइम में वॉइस आगे पीछे होती है। सो डूड मैं उम्मीद करता हूँ इस पर अब नहीं होगी। ब्लॉग आज एंड करते हैं यहीं। सो डूड मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हुए जो डूड अब मैं डेली ब्लॉग लाने वाला हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो इसके कारण मैं घर पे बैठा हूँ, तो मैं डेली ब्लॉग लाऊंगा। सो डूड जल्दी मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो डूड, जितना आप शेयर करोगे उतना सपोर्ट मिलेगा डूड मुझे।